कौन है जिम्मेदार, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। आप दोष देंगे किसे देंगे? विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। श्रवण के माता पिता, उन्हें भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके मरना पड़ा। अंत में लोग कहते हैं हमारा बेटा श्रवण जैसा हो, अरे श्रवण जैसा बेटा होगा तो भी तुम्हें कर्म दंड तो भोगने भी पड़ेंगे। किसी का बेटा श्रवण जैसा होए तो भी तुम्हारे को यदि भोगना है, कर्म दंड है तो भोगना पड़ेगा। बेटा अच्छा इलाज करा सकता है, बेटा अच्छा बिस्तर बिछा सकता है, अच्छी दवाई ला सकता है, तुम्हारा दर्द बांट नहीं सकता, दर्द बांट नहीं सकता। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है, न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे बन को, न देना दोष कैकेयी को, विपत्ति तो सब पे आती है। इसलिए जीवन में आया दुख उसका दोष किसी के माथे न रखना, क्योंकि जो मिल रहा है उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। अच्छे का भी आपको मिलके रहेगा और बुरे का भी आपको मिलके रहेगा। मिलकर रहेगा, क्या करें मेरी मां। लिखा किस्मत में, लिखा किस्मत में मिटता नहीं, मिटाने से समय को काट लो भैया किसी बहाने से। अब ये समय काट लो बस, जो लिख गया है तुम नहीं लिखा है। आपकी किस्मत किसने तैयार की है? हम स्वयं। अच्छा किया तो अच्छी तैयार हो गई, बुरा किया बुरी तैयार हो गई। हमारे सामने दूध रखा है और शराब रखी है, हम दोनों पीने के लिए स्वतंत्र हैं। अब क्या पीना है वो अपना निर्णय है। अब जो पीते चलोगे वो हिसाब बनता चलेगा, तो आप अच्छा करते चलेंगे तो अच्छा हिसाब बनेगा, बुरा करेंगे तो हिसाब बुरा बनेगा।